अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे फेसबुक और यूट्यूब के नाज़रीन, काफ़ी दिन हो गए मसरूफियात की वजह से आपसे मुखातब नहीं हो सका, तो आज वैसे दिल कर रहा था कि आपसे कोई बात करूं, तो इसलिए थोड़ी छोटी सी वीडियो बना रहा हूं। अर्ज ये है कि ये सावन का जो महीना है, इसमें हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। इसमें हशरातुल अर्ज भी निकलते हैं और ख़ास तौर पे ये मक्खियाँ ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ये मुख्तलिफ़ खाने की अशिया पर बैठती हैं, जिससे ये जरासीम मुंतकिल करती रहती हैं, जो हमारी ग़िज़ा के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती हैं, बड़ी आंत को और मेदे को डिस्टर्ब करती हैं और बाज़ औक़ात उल्टी और पखाने भी लग जाते हैं, जिससे जिस्म में पानी की कमी होती है। तो बेहतर यह है कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा करें और उसको चेक करवाएं और उनसे मेडिसिन लें, ना कि घरेलू टोटकों पर रहा जाए। मैंने बहुत से मरीज़ अपने प्रैक्टिस में ऐसे देखे हैं कि जिनको पानी की शदीद कमी होती है और वो घरेलू टोटके इस्तेमाल करते रहते हैं, तो फिर अक्यूट रेनल फ्लोर की तरफ चले जाते हैं पानी की कमी की वजह से, तो फिर बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि जब भी आपको या किसी भी दोस्त अहबाब रिश्तेदार को उल्टी और मोशन ख़ास तौर पे इस मौसम में लगें, तो फौरन आप किसी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट अगर रिपोर्ट कर सकते हैं तो उसमें, या मकामी कोई क्वालिफाइड डॉक्टर आपके पास है तो उसको चेक करवाएँ और पानी की कमी ना होने दें। बाकी ट्रीटमेंट तो होती रहती है। और एक और बात जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, आजकल कुछ मेडिकल स्टोर वालों ने भी प्रैक्टिस शुरू की हुई है, जो बहुत ही मेडिसिन ज़्यादा दे देते हैं या कम दे देते हैं, या अनरेलीवेंट मेडिसिन जो हैं, जो उस चीज़ से रिलेटेड भी नहीं होती उस बीमारी से, वो देते हैं। तो इसको मैं तो सेल्फ़ मेडिकेशन से भी ज़्यादा ख़तरनाक समझता हूँ। तो काइंडली इसका ख्याल करें और अपनी सेहत को बर्बाद होने से बचाएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।